जय जगन्नाथ दर्शक बंधु शुभ सकाळ आज हेउछि नवंबर मास 1 तारिख बुधवार तेबे चालंतु आउ डेर न करी फटाफट नजर पकाइबा कोन रहिछि आज सकाळर आम राज्य ओडिसा ओ देश विदेशर 10 टी बड मुख्य खबर किंतु ता पूर्वरु आपनकु अनुरोध कि ए भिडीयोटिकु संपूर्ण देखंतु एवं ता सहित भिडीयोकु गोटे लाइक करिकि चनेलकु निश्चय सब्सक्राइब करनियंतु। खबर नंबर 1 खसुची पारद आजिटु 3 दिन जाय राज्यरे हालुका वर्षा संभावना आजिटु 3 दिन पर्यंत राज्यर विभिन्न स्थानरे वर्षा आशंका रहिछि। बंगोपसागर पूर्वाली तरंग प्रभाव में वर्षा हो पारे प्रथम दुई दिन मुख्यतः दक्षिण ओडिशा रे वर्षा बाकु थिबा बेले 3 तारिख रे उपकूल और आभ्यंतरीण ओडिशा रे वर्षा हो पारे। पाणीपाक केन्द्र सूचना अनुजाई गंजाम गजपति रायगड़ा कोरापुट और पूरी जिले में आज हालुका वर्षा हो पारे। से हीपरि 2 तारिख दिन दक्षिण उपकूल ओडिशा कंधमाल रायगड़ा मालकानगिरी और कोरापुट आदि जिले में वर्षा संभावना रही। 3 तारिख दिन उपकूल ओडिशार विभिन्न जिला सह केन्दुझर मयूरभंज अनुगुल ढेंकानाल कंधमाल रायगड़ा मालकानगिरी कोरापुट नवरंगपुर आदि जिलार केतेकांश रे हालुकारु मध्यम धरणर वर्षा संभावना रहुछि। फळरे राज्यरे थंडा कमी बोली पूर्वानुमान करा जाउछि। सेपटे राज्यर पारद स्तर धीरे धीरे खसिबारे मध्य लागिछि। खबर नंबर 2 ओडिशार 26तम राज्यपाल भाबे शपथ ग्रहण कले रघुबर दास। ओडिशार नुआ राज्यपाल भाबे रघुबर दास शपथ ग्रहण करिसेंति। मंगलवार पूर्वान्न 11:45 रे राजभवनर अभिषेक हलरे शपथ ग्रहण उत्सव अनुष्ठित होइछि। से ओडिशार 26तम राज्यपाल भाबे शपथ नेइछन्ति। मुख्य शासन सचिव प्रदीप कुमार जेना राष्ट्रपतिक कार्यालयरु आसीथिबा वारंट पाठ करिबा परे शपथ ग्रहण कार्य आनुष्ठानिक भाबे आरंभ होइछि। ओडिशा हाइकोर्टर कार्यकारी मुख्य विचारपति डॉक्टर जस्टिस विद्युत रंजन षडंगी नवनियुक्त राज्यपाल को पद और गोपनीयतार शपथ पाठ कराइथिले। यहपर राज्यपाल रघुबर दास राजभवन पुस्तिकार स्वाक्षर करते शपथ ग्रहण उत्सव में मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक समेत राज्य मंत्रिमंडल सदस्य और वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी जोग देते राज्यपाल श्री दास को गार्ड ऑफ ऑनर दि जाता। खबर नंबर 3 कंदाऊ पियाज दर आरंभ हो पवित्र तथा धर्मर मास कार्तिक अधिकांश ओडिया घरे पियाज रसुण बारण घरे घरे चली हबिष किंवा निरामिष भोजन विधि मात्र एति बेले बजार में पियाज ताति हबिष किंवा निरामिष भोजन पालन करुवा लोक अधिक कष्टदायक कर बजार में पियाज दर 70 टंका टपिछि तेणु लोकों हांडीशाल चड़क पड़ी कहु पियाज दर वृद्धि कारण खाउटी मैंने कम परिमाणर पियाज किणवा को बाध्य होतेक ग्राहक बाध्य पियाज दर को आख्या कर रखी पवित्र कार्तिक मस कहीं पियाज खाइबा कही पियाज खाइबा बंद कर पियाज व्यवसाय कमु दोकान पियाज पचिचड़ी नष्ट कारण बेपारी मैंने क्षतिग्रस्त होती तेणु बर्तमान पियाज दर वृद्धि उभय बेपारी और खाउटी काल साजिश दोकानी मानों ठारो मिलिथिबा सूचना अनुसार हबिष किंवा निरामिष भोजन पालन करुनथिबा लोकंको पियाज दर कानमुंडा छाई छाई कर देउथिबा खाउटी माने कहिछन्ती नुआ अमल पियाज बजार को आसिबा पई आउ प्राय 2-3 सप्ताह लागिबो नुआ पियाज आसिबा पर्यंत एही भली दर रहिबो बोली व्यवसायी माने आकलन करिछन्ती। खबर नंबर 4 आईपीएस स्तर रे बड धरणर अदल बदल कले राज्य सरकार। सर्वभारतीय पुलिस सेवा स्तर रे एक बड धरणर अदल बदल करा जायछि एने एबे एबे सूचना प्रकाश पाइथिबा देखिबा को मिलिछि। विज्ञप्ति रे प्रकाश पाइछि सरकारी प्रेस निर्देशक भाव अरुण राय को भाव बदली करा जाई छी। अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर भाव बिजरेश राय को स्थानांतर कर अन्यपटे जेल विभाग डीजी भाव अमृत मोहन प्रसाद को स्थानांतर कर ललित दास को एचआरपीसी एडीजी और उमाशंकर दास डीआईजी एसआईडब्ल्यू भाव बदली कर सूचना था कि आगक 2024 साधारण निर्वाचन रही बेले वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी स्तर में अदल बदल कर राज्य सरकार एने गृह विभाग पक्ष मंगलवार एक विज्ञप्ति जारी कर 5 खुशी खबर सुना दर में आसी बड़ परिवर्तन जानतु केते रही आज मूल्य पार्वण ऋतु में बढ़िवे लगी सुना दर आज करवा चौथ व्रत स्वामी मैंने स्त्री को पाई सुना किणवाक मन बल अंपटे सुना दर में निगी तेरे आसतु जाना आज केते रही सुना दर आज भारतीय बजार में 22 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 57,200 टंका रही 24 क्यारेट सुनार मूल्य 10 ग्राम प्रति 62,400 टंका रही तेरे ओडिशार राजधानी भुवनेश्वर में भी आज 22 क्यारेट सुनार मूल्य 57,200 टंका 24 क्यारेट सुनार मूल्य 62,400 टंका रही देशर प्रमुख सहर मानक भी सुनार मूल्य सामान्य परिवर्तन होइछि तेबे दक्षिण भारत प्रमुख सहर चेन्नई रे 22 क्यारेट सुनार मूल्य 57,150 टंका 24 क्यारेट सुनार मूल्य 62,350 टंका होइथिबा रेकर्ड करा जाइछि। सुना भली रूपार मूल्य भी 1 किलोग्राम प्रति 75,600 टंका रहिथिबा नै रेकर्ड होइछि। खबर नंबर 6 बालेश्वर और बलांगीर रे आम ओडिशा नवीन ओडिशा कार्यक्रम 336
130 कोटी टंका रो विभिन्न प्रकल्प रो शुभारंभ कले मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक आमो ओडिसा नवीन ओडिसा कार्यक्रम रो सप्तम पर्याय रे मंगलवार बलांगीर ओ बालेश्वर जिल्ला रे विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्प रो शुभारंभ करिसंती। बलांगीर जिल्ला रे 3911 टी विभिन्न उन्नयनमूलक प्रकल्प लागि राज्य सरकार 158 कोटी 50 लाख टंका व्यय करबे बोली पंचायतराज ओ पानी जल विभाग सूत्रहुड जणा पडिछि। सेहि परि आमो ओडिसा नवीन ओडिसा योजना रे बालेश्वर जिल्ला रे 178 कोटी टंका व्यय रे हेबाकु थिबा 4465 उन्नयनमूलक प्रकल्प गुडी कर मुख्यमंत्री शुभारंभ करिसंती। राज्य रो ग्रामांचल गुडी कर विकास सहित जगन्नाथ संस्कृति रो संरक्षण ओ प्रचार प्रसार पूजा स्थली गुडी कर उन्नतिकरण एवं ऐतिह्य स्थली गुडी कर उपयुक्त रक्षणाबेक्षण एवं विकास लागि राज्य सरकार आमो ओडिसा नवीन ओडिसा कार्यक्रम जारी रखिसंती। मुख्यमंत्री कहिसंती ग्रामांचल गुडी कर रूपांतर आनिबा तांको सरकारंकर लक्ष्य। खबर नंबर 7 ब्रह्मपुर रु आरंभ हला वरिष्ठ नागरिकक तीर्थयात्रा योजना। वरिष्ठ नागरिकक तीर्थयात्रा योजना ए वर्ष ब्रह्मपुर रु आरंभ होईची अभियान। पांचटी जिलार मोट 970 जन वरिष्ठ नागरिक ट्रेन जोगे यात्रा आरंभ करिसंती। एमानंक मध्यरे गंजाम जिलार 548, नयागढ़ जिलार 150, गजपति जिलार 90, कंधमाल जिलार 114 और बौद्ध जिलार 68 जन सामिल अछंती। कन्याकुमारी रु तिरुवनंतपुरम जाए 5 दिन धरी तीर्थ भ्रमण करिवे। ब्रह्मपुर रेल स्टेशन रे ओडीटीसी अध्यक्ष लेलिन महांति, मंत्री उषा देवी, ब्रह्मपुर सांसद चंद्रशेखर साहू, आसिका सांसद प्रमिला विषोई, ब्रह्मपुर मेयर संघमित्रा दलाई एवं गंजाम जिलार बहु विधायक, जिला परिषद सभापति और बहु प्रशासनिक अधिकारी तीर्थयात्री मानू स्वागत कर शुभेच्छा जनाइछंती। वरिष्ठ नागरिक मान तीर्थयात्रार समस्त खर्च राज्य सरकार बहन करुछंती। जीवा आसीबा रहिबा और भ्रमण व्यवस्था बिना मूल्य रे करा जायछि। खबर नंबर 8 प्रस्तावित धर्मघटरु ओहरिला घरोई बस मालिक संघ। 10 जिल्ला रे हेबाकु थिबा बस धर्मघट प्रत्याहृत होईछि। 8 तारिख रे सरकारक सह आलोचना परे परवर्ती निष्पत्ति निया जीव बोली घरोई बस मालिक संघ संपादक देवेंद्र साहू सूचना देइछंती। सूचना योग्य दशहरा समय रे घरोई बस मालिक संघ धर्मघट डाकरा देथिले, फलरे यात्री सेवा रे समस्या उपस्थित थिला। दशहरा छुट्टी रे लोके घरकु जिबाकु नाही नथिमा समस्यार सम्मुखीन होइथिले। राज्य सरकारक सह आलोचना परे गत 20 तारिख रे बस धर्मघट को अक्टोबर 31 तारिख पर्यंत स्थगित रखिथिला संघ। एहा सह पार्वण रे धर्मघट जोगु समस्या होइथिबारु यात्री को क्षमा मागिथिला घरोई बस मालिक संघ। खबर नंबर 9 मैट्रिक रे हेबेनि केही फेल। राज्य सरकार आनिले जीरो फेल मिशन। मैट्रिक परीक्षा रे जेभली कोनोसी पिला फेल हेबेनि से नै मार्गदर्शिका जारी करिछि गणशिक्षा विभाग। एथिपाई छात्र छात्री प्रस्तुति किभली करिवे से नै मार्गदर्शिका रे विस्तृत भाबे कुहा जाइछि। राज्य रो समस्त हाईस्कूल जेपरी जीरो एफ मिशन तथा शत प्रतिशत रिजल्ट करिवे से उपरे गुरुत्व दि जाइछि। मैट्रिक परीक्षा ना सुनिले बहु पिला चिंता रे पड़ंती, पास फेल को नै भागी पड़ती, किंतु मैट्रिक परीक्षा रे जेमिति कोनोसी पिला फेल हेबेनि सेथिपाई मार्गदर्शिका जारी करिछि राज्य गणशिक्षा विभाग। खबर नंबर 10 महंगा होई पारे तेल ओ अन्यान्य सामग्री। विश्व बैंक पक्षरु सोमवार मिलिथिबा सूचना अनुसार इजराइल ओ हमास मध्ये युद्ध रागी रहिले किंबा बढ़िले तेलर मूल्य रे वृद्धि हेबो। एहा प्रभाव रे सारा दुनिया रे खाद्य पेय जिनिस महंगा होई पारे। विश्व बैंक रो कमोडिटी मार्केट आउटलुक रु मिलिथिबा तथ्य अनुसार युद्ध परिस्थिति लागि न रहिले तेलर मूल्य रे प्रभाव सीमित रहिबो, मात्र युद्ध लागि रहिले परिस्थिति जटिल हेबो। खेल खबर बांग्लादेश को 7 विकेट रे हराइला पाकिस्तान। कोलकाता रो ईडन गार्डन रे चलिथिबा आईसीसी विश्वकप रो 31तम मैच रे बांग्लादेश को 7 विकेट रे हराई देछि पाकिस्तान। एहि मैच रे बांग्लादेश टॉस जीती प्रथमे बैटिंग करबा को निष्पत्ति नैथिला। बांग्लादेश 45.1 ओवर रे 204 रन करी ऑल आउट हो जाइथिला। पाकिस्तान आगरे 205 रन रो विजय लक्ष्य थिबा बेले दल 32.3 ओवर रे मैच को जीती नैथिला। तबे दर्शक बंधु आशा करूछि आजिरो ए वीडियो माध्यम रे मु आपनको पाखरे सटीक खबर गुडी को पहुंचाई पारिछि। जदि आपनको ए वीडियो रु किछि जानिबा को मिलिछि तबे वीडियो को निश्चय गोटे लाइक करि देबे एवं ता सहित आगो को एभली वीडियो देखिबा को चाहुथिले आमो चैनल को सब्सक्राइब करिकि बेल आइकन को ऑल रे प्रेस कर देबे एवं ता सहित आपन ए वीडियो टी को केउ जागा रु देखुछंती आमो को कमेंट रे निश्चय जणाइबे।